हेलो स्टूडेंट्स, एस सी बी एस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे किस तरीके से हम करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, मतलब कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको याद करनी है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को ही हम पहला लेके चलते, दोनों को साथ लेके चलते, दोनों का ही सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब देखो उसको करेंगे कैसे। अब देखो, आपको जितने भी रेशनल नंबर पूछे जाएँ, जितनी ही परिमेय संख्या पूछी जाए, तो हम देखो यहाँ पे रेशनल नंबर टोटल कितने हैं, रेशनल नंबर हमें कितने निकालने हैं टोटल, यहाँ पे कितने निकालने हैं, 6 निकालने, कितने निकालने हैं, 6 निकालने। आपको करना क्या है, वो किसके बीच में निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में आपको कितने 6 रेशनल नंबर, जितने भी आपको रेशनल नंबर, जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी हो उसमें हमेशा कितना 1 से 1 प्लस कर देना है। जितने भी आपको निकालना हो उसमें क्या करो, 6 + 1 जितने भी निकालो उसे प्लस 1 कर दो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। इस 7 का करना क्या है, करना क्या है वो देखो। ये जो 3 है ना, इसके डिवाइड में 1 कर दो, इसके भी डिवाइड में 1 कर दो, हमने दोनों किया। अब मुझे करना क्या है, देखो ये अंश होता है, ये अंश होता है, हिंदी बोलते हैं इसे अंश और इंग्लिश बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। और ये क्या है, हर, वो इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, इस 7 से मल्टीपल कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीपल कर दो, ठीक है ना, चुटकियों में आंसर आएगा एकदम से, चुटकियों में। तो वो 7 × 3 = 21, 7 × 21 बटे 7 × 1 = 1, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, यहाँ पे लिखिए 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7, 7 × 7। देखो 21 के बाद कितना आता है, 22 अपॉन जो नीचे है 7, वो तो सेम ही रहेगा। फिर 22 के बाद कितना आएगा, 23 / 7, 24 / 7, 25 / 7, अरे बोलिए भाई कितना आएगा, 26 / 7, 27 / 7। कितनी मुझे नंबर, टोटल नंबर कितने निकालने थे, कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी, 6। तो देखो हमारे पास 6 परिमेय संख्या आ चुकी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।